हेलो दोस्तों, रीता फैमिली किचन में आपका स्वागत है। शाम की चाय के साथ अगर पकोड़े मिल जाए तो क्या कहने। तो आज हम बनाएंगे अरबी के पकोड़े, इसे पात्रा और आलू वड़ी भी कहते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अरबी के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का पेस्ट बना लेंगे। मैं यहाँ 4 चम्मच बेसन ले रही हूँ, साथ ही डालेंगे 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1 नींबू का रस। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे और 1 थिक सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, वरना ये पत्ते में अच्छे से चिपकेगा नहीं। पेस्ट हमारा रेडी है। अब हम अरबी के पत्तों को अच्छे से धो लेंगे और इसकी डंडियाँ काट लेंगे। आपको ये मोटे वाले पार्ट कट करके हटाना है। इसी तरीके से सारे पत्तों में से मोटे वाले डंडियां काट के हटा लेंगे। अब 1 पत्ता लेंगे और इसके ऊपर बेसन का पेस्ट लगा लेंगे अच्छे से। 1 पत्ता फिर लेंगे और फिर से पेस्ट लगाएंगे। आप 4 से 5 पत्ते और बेसन की लेयरिंग कर सकते हैं। अब इसे 1 तरफ से रोल करते जाएंगे। मैं यहाँ साइड्स फोल्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि साइड वाले फिर बहुत मोटे हो जाते हैं और खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। अब ऐसे ही दूसरे वाले पत्ते भी रोल कर लेंगे। पत्ते और बेसन का रोल रेडी है। अब इसे स्टीम कर लेंगे। 1 पैन में पानी गरम कर लेंगे और 1 छेद वाली थाली रख देंगे। इस पर अच्छे से तेल लगा लेंगे ताकि पत्ते चिपके ना। इसे लो फ्लेम पर 25 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 25 मिनट हो गए हैं और पत्ते अच्छे से स्टीम भी हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। चलिए अब इसे कट कर ले। आप अपने हिसाब से इसे मोटा पतला कट कर सकते हैं। मैंने स्टीम पत्तों को कट कर लिया है। अब ये तैयार है शैलो फ्राई करने के लिए। 1 पैन में तेल लेंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। अब 1-1 करके इसमें डाल देंगे। इसे अलट पलट करते हुए अच्छे से क्रिस्प और लाल कर लेंगे। ज़्यादा लाल ना करें इसे, वरना पत्ते सारे जल जाएंगे। पकौड़े हमारे तैयार हैं। चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।